दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल ने जैसलमेर के सूर्यगढ़ में फैमिली और दोस्तों के बीच एक दूसरे से जन्म जन्म तक साथ निभाने की कस्में खा ली हैं। 7 फरवरी का दिन सिद्धार्थ और कियारा के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया है। दोनों लव बर्ड्स हैं, दोनों ने शाही अंदाज में शादी कर ली है। इस ग्रैंड वेडिंग में उनके परिवार उनके नजदीकियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस को 3 से 4 दिन के लिए बुक किया गया था। पर डे इस पैलेस का 2 करोड़ रुपए रेंट है और यहीं पर कियारा और सिद्धार्थ की शादी हुई है। पैलेस में आरामदायक रूम में समय बिताने के साथ साथ और भी फैसिलिटीज का इंतजाम था, जिससे कपल की शादी में मेहमान आराम करने के साथ साथ मस्ती मजा भी कर सके। फिल्मों में तो कियारा आडवाणी की लव स्टोरी बड़ी मुश्किल से पूरी हुआ करती थी और कई कई फिल्मों में तो पूरी भी नहीं हुआ करती थी। असल जिंदगी में कियारा आडवाणी की लव स्टोरी कम्प्लीट हो गई है। वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की लव स्टोरी और उनकी शादी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इनकी मुलाकात कैसे हुई और इनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ी, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए जानते हैं सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी का सच। कियारा आडवाणी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था फिल्म फुगली से। उसके बाद एमएस धोनी की बायोग्राफी में नजर आई थी और इसी फिल्म से उन्हें एक अलग पहचान मिल गई थी। बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो उन्हें इस इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च किया गया था। धर्मा प्रोडक्शन में इन्होंने पहले एज ए असिस्टेंट काम किया था माय नेम इज खान मूवी के लिए। उसके बाद ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर से इंडस्ट्री में लॉन्च हो गए थे। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचा हो, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म के बाद आलिया भट्ट को डेट करने लगे थे और इस कहानी ने कई सुर्खियां भी बटोरी थी। कहते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि वो आलिया को लेकर क्रिटिक फिल्म के आरके से भी भिड़ गए थे। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट रिलेशनशिप में थे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया को एक एडवर्ड नाम की कैट भी गिफ्ट की थी, लेकिन फिर 2018 में इनका ब्रेकअप हो गया। ये तब हुआ जब आलिया ने ब्रह्मास्त्र मूवी साइन की और अपनी ब्रह्मास्त्र मूवी के को एक्टर रणवीर को डेट करने लगी। हालांकि अब वो रणवीर बेटी की माँ भी। इधर बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो एक बार फिर से सिंगल हो गए थे, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के सिंगल होते हुए भी उनके नाम कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़े गए। एक टाइम पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साउथ अफ्रीकन मॉडल निकुल मे को भी डेट किया। वहीं कुछ समय तक सिद्धार्थ मल्होत्रा का जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी नाम जोड़ा गया और कहते हैं कि कुछ समय तक इन्होंने तारा सुतारिया को भी डेट किया था, लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकात हुई कियारा आडवाणी से और इस मुलाकात में करण जौहर का रोल अहम रहा, क्योंकि कियारा आडवाणी ने तब करण जौहर की फिल्म लस्ट स्टोरीज में अपनी शूटिंग कंप्लीट की थी और रैप अप पार्टी थी। वहीं पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की कियारा आडवाणी से मुलाकात हुई और उसके बाद करण जौहर ने दोनों को कास्ट किया शेरशाह मूवी के लिए। शेरशाह मूवी की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन इनका रिश्ता सबके सामने तब आया जब इन्होंने न्यू ईयर पर अफ्रीका के एक सेंचुरी की एक फोटो शेयर की थी, जहां पे ये सिंगल खड़ी हुई फोटो शेयर कर रही थी और सेम वही फोटो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, जिसमे वो भी बिल्कुल सिंगल दिखाई दे रहे थे। इनके फैंस को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि ये एक जगह की ही फोटोज हैं। हालांकि इन्होंने कभी भी मीडिया में अपने अफेयर की बात नहीं की थी, लेकिन एक बार जब कियारा ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी तो पार्टी खत्म होने के बाद कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की गाड़ी में ही बाहर निकली, जो अपने आप में रिलेशनशिप कंफर्म करता है। और उसके बाद कई मौके आए जब कियारा आडवाणी को सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर जाता देखा गया और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा आडवाणी के घर। अब इनके अफेयर के बीच एक समय ऐसा भी आया कि जब सिद्धार्थ और कियारा के ब्रेकअप की खबरें भी सामने आई, लेकिन ये खबरें एक बार फिर हवा तब हो गई जब सिद्धार्थ और कियारा एयरपोर्ट पे साथ साथ नजर आए। हाल ही में दोनों न्यू ईयर मनाने मालदीव गए थे। कियारा और सिद्धार्थ की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों की शादी की खबरें भी आ रही थी, लेकिन जनवरी 2023 में कहा गया कि कियारा आडवाणी के को एक्टर वरुण धवन से सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत नाराज हैं। एक्चुअली वरुण धवन के साथ कियारा आडवाणी ने जुग जुग जियो फिल्म की थी, उस फिल्म के लिए प्रमोशनल फोटोशूट किया गया था। फोटोशूट के दौरान वरुण को कियारा को गोद में उठाना था और ये सब कोरियोग्राफ था,
लेकिन इसमें वरुण धवन ने अपनी तरफ से किस ऐड कर दी थी। कहा जाता है कि वरुण धवन ने कियारा को अचानक से गोद में लेते ही किस कर लिया, जिससे कि कियारा भी शॉक्ड हो गई। कियारा को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ये सब कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई और लोग कहने लगे सिद्धार्थ मल्होत्रा वरुण धवन से नाराज हैं। वरुण धवन जबरदस्ती कैसे कियारा को किस कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, क्योंकि सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे को काफी अच्छा खासा स्पेस देते हैं और एक दूसरे को काफी समझते भी हैं और दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन को लेकर काफी प्रैक्टिकल हैं। फाइनली कई सारे उतार चढ़ाव के बाद कियारा और सिद्धार्थ की शादी हो गई। वो कियारा आडवाणी जो अपनी फिल्मों में रोती तरसती नजर आती हैं अपने प्यार को पाने के लिए। शेरशाह मूवी में उन्होंने जो सिद्धार्थ के साथ किया उसमें उन्होंने सिंपली अपनी लव स्टोरी को कम्प्लीट किया, लेकिन असल जिंदगी में कियारा को फाइनली अपना प्यार मिल गया है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा के भी र्यूमर्स हैं, जहां एक बार तो ये कह दिया गया था कि सिद्धार्थ का अफेयर तो करण जौहर के साथ चल रहा है और सिद्धार्थ मल्होत्रा गे हैं, लेकिन फाइनली इन सारी चीजों को झूठ साबित करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा दूल्हा बन गए हैं और कियारा आडवाणी इनकी दुल्हन। ऊपर वाला इनकी जोड़ी को सलामत रखे और इनकी झोली खुशियों से भर दे। हमारे गायत्री विकास चैनल की तरफ से कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा को शादी की ढेरों शुभकामनाएं।